Hello students, I welcome you all on the Shaurya and Vivek Defense Academy platform. So last time we have started with the clouds. Humne ek series start kiya jisme we are going to discuss the most important topics for your upcoming CDS. ठीक है, आपके CDS के लिए जो हमने पुराना trend analysis किया है उसके basis पे जो भी topics हमें लगता है कि यार इस पे से एक question तो हमेशा बन ही रहा है, उसके accordingly जो भी easiest topic है, easiest topic जो mark giving topics है, उस टॉपिक को हम बहुत ही कंसाइज वे में समझाने वाले हैं कि कैसे आप अपना छोटा सा जनरल ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी उस टॉपिक को सॉल्व कर सकते हो, राइट? तो हमने क्लाउड्स बहुत ही कंसाइज वे में ख़त्म किया था, उसी तरीके से आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अर्थक्वेक. अगेन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक होमवर्क रहेगा कि प्लीज़ आपको जो भी लास्ट में जो PYQs दिए जाते हैं उसका आप प्रॉपरली एक बार गो थ्रू करो. ऐसा नहीं कि आपके सही होना चाहिए, बट हाँ, UPSC जो लैंग्वेज यूज़ करता है क्वेश्चन फ्रेम करने में, उस लैंग्वेज से आपको फैमिलियर होना है. सो हियर इट इज़ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के बारे में अगेन, जैसे ही आप ये वर्ड सुनते हो अर्थक्वेक, ठीक है, तो हमें एक जनरल आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ यार अर्थक्वेक, हम कोई बड़ी मोटी मोटी डेफिनेशंस के ऊपर नहीं जाने वाले. अर्थक्वेक का सिंपल मीनिंग यही होता है, दैट इज सडन शेकिंग एंड वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक. इसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं. अब ये होता कैसे है? वी नो दैट अर्थ इज़ अ डायनेमिक बॉडी, ठीक है, इट रोटेट्स एज वेल एज इट रिवॉल्व्स. रोटेट भी करती है, रिवॉल्व भी करती है ना? तो फिर अब कोई भी रोटेटिंग बॉडी ले लो, आप फैन ले लो, घर का कूलर ले लो, या मिक्सर ले लो, जूसर ले लो, जितने भी रोटेटिंग बॉडीज होती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, वो कुछ ना कुछ हारमोनिक्स या वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती ही करती है. सेम अप्लाइज टू दी अर्थ, ठीक है, अर्थ के साथ भी वही अप्लाई होता है. जब इतनी बड़ी बॉडी इतनी हाई स्पीड से रोटेट करती है तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस या वाइब्रेशंस क्रिएट और जनरेट करती है. ओके, अब उसी में से जो वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के होते हैं और हमारे लिए डिजास्टर लेके आते हैं, वो उसे ही हम कहते हैं अर्थक्वेक. अदरवाइज छोटे मोटे जो ट्रेमर्स होते हैं, छोटे मोटे वाइब्रेशंस जिसे कि हम ट्रेमर्स कहते हैं, वो आते ही रहते हैं. अभी भी कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट दोज वाइब्रेशन आर नॉट इंटेंस इनफ टू मेक एनी डिजास्टर. ओके, सो ये होता है हमारा अर्थक्वेक के टाइम पे कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है. अब हम जो अर्थ है, अर्थ को हम कहेंगे, अर्थ को हम दो पार्ट में यहाँ पे नाम देंगे, ठीक है. द वन इनसाइड द अर्थ विल कॉल दिस पोर्शन और दिस रीजन एज द बॉडी ऑफ अर्थ. इसे हम क्या कहेंगे? बॉडी ऑफ द अर्थ. अर्थ के ऊपर जो भी हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे पेड़ पौधे, घर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग रहते हैं यहाँ पे, इसे हम कहेंगे सरफेस. ये हो गया सरफेस. ओके, सो हम अर्थ को क्लासिफाई करेंगे एज अ सरफेस और एज अ बॉडी. जो अर्थ के अंदर हो गया उसे बॉडी कहेंगे, जो अर्थ के बाहर है उसे हम सरफेस कहेंगे. तो आपको मुझे बताना है दैट अर्थक्वेक जो आता है, अर्थक्वेक जो जनरेट हो रहा है, वो सरफेस से जनरेट हो रहा है या बॉडी से जनरेट हो रहा है. अर्थक्वेक बॉडी के अंदर से आएगा या सरफेस के ऊपर से आएगा, ठीक है. सो जनरेट कहाँ से होगा? बॉडी से जनरेट होगा, ठीक है, बॉडी से जनरेट होगा. हेंस वी कॉल अर्थक्वेक एज एन टेरेस्ट्रियल डिजास्टर. अर्थक्वेक क्या है? एक टेरेस्ट्रियल डिजास्टर है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल डिजास्टर है. इट इज़ नॉट एन एटमोस्फेयरिक डिजास्टर नहीं है, एक्वेटिक डिजास्टर नहीं है, बायोलॉजिकल डिजास्टर नहीं है. अब ये सारे वर्ड्स भी आपको समझ में आएंगे, बट हाँ अभी के लिए याद रखना है आपको कि इट इज़ अ टेरेस्ट्रियल डिजास्टर, ठीक है, टेरेस्ट्रियल डिजास्टर बिकॉज इट इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ. अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट हो रहा है. ओके, अब हमने देख लिया अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट हो रहा है, अर्थ के बॉडी से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, अर्थ के बॉडी से ओरिजिनेट हो रहा है. ये हो गया बॉडी और ये हो गया सरफेस, ठीक है. बॉडी के अंदर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है. सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोकस पॉइंट. उसे हम क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हाइपो सेंटर. इसे ही हम क्या कहते हैं? हाइपो सेंटर भी कहते हैं. सो फोकस एंड हाइपो सेंटर आर द पॉइंट विच फ्रॉम वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ के बॉडी के अंदर से, ठीक है, अर्थ के बॉडी के अंदर से वो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ से सेस्मिक वेव, ठीक है, ये जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं सेस्मिक वेव. जहाँ से सेस्मिक वेव ओरिजिनेट हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट और दी हाइपो सेंटर पॉइंट. फोकस हाइपो सेंटर दोनों सेम होता है, फोकस हाइपो सेंटर दोनों बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर होता है, ध्यान रखना है, ठीक है, सरफेस पे नहीं होता है. अब यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ सेस्मिक वेव्स दिख रही है, ठीक है, ये वेव्स हमें दिख रही है जो कि फोकस पॉइंट या हाइपो सेंटर से ओरिजिनेट हो चुकी है. अब यही क्या करेगी? ये पूरे बॉडी में ट्रैवल करेगी, ठीक है, पूरे बॉडी में ट्रैवल करेगी अलग अलग डायरेक्शन में. एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया, कुछ पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे वेव्स के, ठीक है. तो
जितनी भी सेस्मिक वेव्स थी, नाउ दो सेस्मिक वेव्स आर इंटरैक्टिंग विद द सर्फेस, ठीक है, वो क्या कर रही है, सर्फेस के थ्रू इंटरैक्ट कर रही है, ठीक है. तो उसी का एक पॉइंट, द पॉइंट विच इज वर्टिकली अबव द फोकस पॉइंट, द पॉइंट विच इज वर्टिकली अबव द फोकस पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एन एपी सेंटर. इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एपी सेंटर कहते हैं. इस पॉइंट को हमने क्या कहा था, इसे हमने कहा था फोकस और हाइपोसेंटर. फोकस और हाइपोसेंटर के ऊपर जो वर्टिकली ऊपर होता है, ठीक है, वर्टिकली अबव, दैट इज कॉल्ड एज एपी सेंटर. ये कहाँ पे होता है, ये होता है सरफेस पे होता है, ठीक है, सरफेस पे होता है. तो जैसे ही सेस्मिक वेव हमारी सरफेस से इंटरेक्ट करेगी, तो अब हमारी वेव्स सरफेस के थ्रू ट्रैवल करेगी, सरफेस के थ्रू ट्रैवल करेगी. तो अभी तक आपको तीन वर्ड समझ में आ जाने चाहिए, फोकस, हाइपोसेंटर एंड एपिसेंटर. फोकस और हाइपोसेंटर बॉडी पे होता है, एपिसेंटर सरफेस पे होता है, वो भी वर्टिकली अबव. हम इस पॉइंट को एपिसेंटर नहीं कहेंगे, इसे भी नहीं कहेंगे, अदरवाइज ये भी तो सरफेस के ऊपर ही है, लेकिन हम इसे नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि वो फोकस से वर्टिकली ऊपर नहीं है. जो वर्टिकली ऊपर होगा उसे हम कहेंगे एपी सेंटर, राइट. सो इस डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे आपको कुछ वेव्स दिख रही होगी, है ना, यहाँ पे बहुत सारी वेव्स है. अब ये जो वेव्स है वो यहाँ पे भी इंटरेक्ट हो रही है, यहाँ भी सरफेस के ऊपर इंटरेक्ट कर रही है, यहाँ भी इंटरेक्ट कर रही है, लेकिन हम इसे हाइपोसेंटर नहीं कहते, इसे नहीं, सॉरी एपी सेंटर हम इसे नहीं कहेंगे, इसे एपी सेंटर हम नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे. क्यों? क्योंकि वो फोकस से वर्टिकली ऊपर है. ओके, तो हमारे लिए तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, फोकस क्या है, हाइपोसेंटर क्या है और एपिसेंटर क्या है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अर्थक्वेक वेव्स. अब अर्थक्वेक की वेव्स तो हमने देख ली है, सेस्मिक वेव जनरेट होती हुई हमने देख लिया है कि यार सेस्मिक वेव जनरेट कैसे हो रही है. अब हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स होती है. ओके, सो अर्थक्वेक वेव्स वी क्लासीफाई इट इंटू टू पार्ट्स बेस्ड ऑन वेयर इट इज ट्रैवलिंग. अर्थक्वेक वेव ट्रैवल कहाँ कर रही है, कहाँ ट्रैवल कर रही है, अर्थ के पास तो दो ही जगह है, एक तो वेव्स बॉडी के अंदर ट्रैवल कर सकती है या तो बॉडी के ऊपर, यानी मतलब सरफेस के ऊपर. सो वी कैन क्लासीफाई अर्थक्वेक वेव्स एज अ बॉडी वेव एंड एज अ सरफेस वेव. बॉडी और सरफेस वेव के हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं. नाउ बॉडी वेव्स कैन बी फर्दर क्लासीफाइड इंटू टू टाइप, दैट इज प्राइमरी वेव आर दोज विच अराइव्स वेरी फर्स्ट एंड द अदर वन इज सेकेंडरी वेव. एक प्राइमरी है तो दूसरा सेकेंडरी ही होगा, ठीक है, जो कि प्राइमरी के कुछ मिली सेकेंड्स के बाद जनरेट होती है. ओके, सो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव कहते हैं. ओके, यहाँ पे मैं और क्लियर कर देता हूँ आपको, ये बॉडी हो चुकी है, ये अंदर की बॉडी हो गई है. अर्थ के बॉडी के अंदर अब सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैशियस मीडियम भी होता है, तीनों मीडियम होते हैं. इसमें से जब हमने सिस्मोग्राफ पे ये सारे ग्राफ्स देखे तो हमें ये पता चला कि जो पी वेव होता है, पी वेव मतलब जो प्राइमरी वेव है, बॉडी वेव में भी जो दो टाइप के वेव थे पी और एस, उसमें से भी जो प्राइमरी था, जो सबसे पहले आ रहा है, उसमें से हमने ये देखा कि पी वेव सॉलिड के थ्रू पास हो रहा है, लिक्विड के थ्रू पास हो रहा है और गैसियस के थ्रू भी पास हो रहा है. हेंस वील राइट हियर दैट प्राइमरी वेव ट्रैवल्स थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों से ट्रैवल करता है, ये तीनों से ट्रैवल करता है. वेयर एज सेम, जब हमने एस वेव का प्रोपोगेशन देखा, जब हमने एस वेव का प्रोपोगेशन देखा तो इट ओनली ट्रैवल्स थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस के थ्रू ये पास नहीं होती है. हेंस वील राइट हियर दैट एस वेव इट ओनली ट्रैवल्स थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस से एस वेव ट्रैवल नहीं करता है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हियर दैट इट इज़ द फर्स्ट वेव टू अराइव, इट इज़ द फर्स्ट वेव टू अराइव. सबसे पहले अर्थक्वेक आता है तो बॉडी के अंदर से जनरेट होता है, बॉडी के अंदर में भी जो सबसे पहले आता है उसे हम प्राइमरी देते हैं, ठीक है, सबसे पहले आ रहा है इस रीजन से हम उसे प्राइमरी कह रहे हैं. सो इट इज़ द फर्स्ट टू अराइव एंड इट अराइव्स आफ्टर सम टाइम लैग, कुछ टाइम लैग के बाद में, टाइम लैग आफ्टर पी वेव, पी वेव के टाइम लैग होने के बाद एस वेव जनरेट होती है. ओके, नाउ प्राइमरी वेव सिंस इट ट्रैवल्स थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब प्राइमरी वेव को ट्रैवल होने में कुछ ना कुछ मीडियम्स चाहिए, सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम, गैसियस मीडियम, कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए ना, दैट इज़ वाई हम प्राइमरी वेव को मैकेनिकल वेव भी कहते हैं, इसे मैकेनिकल वेव भी कहते हैं. क्यों मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव आर दोज वेव विच रिक्वायर सर्टन मीडियम. सिंस प्राइमरी वेव रिक्वायर्स ओनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दैट इज़ वाई हम इसे मैकेनिकल वेव भी कहते हैं. एंड इट इज़ सिमिलर टू साउंड वेव एज वेल, ठीक है, ये साउंड वेव के सिमिलर, साउंड वेव से सिमिलर होता है. क्यों? क्योंकि साउंड वेव भी सॉलिड, लिक्विड और गैस से ही पास होता है. ठीक है, तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं.
Lastly, it propagates. How it propagates? It propagates longitudinally. longitudinally. It propagates longitudinally. अब longitudinally propagation क्या होता है? एक toy आता है छोटा सा, spring जैसा. Spring जैसा जिसे slinky कहते हैं. अगर से आपको ये नहीं पता तो please आप Google पे search कर सकते हो. आपको देखना है इसे slinky कैसे दिखता है. ठीक है? So this propagation of wave is called as the longitudinal wave. इसे हम क्या कहते हैं? Longitudinal वेव कहते हैं, दैट इज स्लिंकी. तो इस तरीके से प्रोपोगेट करता है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्राइमरी वेव. नेक्स्ट हियर इट इज सेकेंडरी वेव. सेकेंडरी वेव क्या होता है? इट ओनली ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड, अराइव्स आफ्टर अ टाइम लैग, कुछ टाइम लैग होने के बाद में आता है. एंड लास्टली इट प्रोपोगेट्स ट्रांसवर्सली. इट प्रोपोगेट्स ट्रांसवर्सली और परपेंडिकुलरली. ठीक है? जिस तरीके से लॉन्जिट्यूडनल होता है पैरेलल, ट्रांसवर्सल होता है परपेंडिकुलर. ठीक है? इट प्रोपोगेट्स परपेंडिकुलरली या ट्रांसवर्सली. ट्रांसवर्सल क्या होता है? जो हम जिम में हमारा बैटलिंग रोप होता है, जिम में जो बैटलिंग रोप होता है वो कैसे ट्रैवल करता है? वो हाई और लो, हाई और लो, वेव के फॉर्म में. ठीक है? वेव्स के फॉर्म में वो ट्रैवल करता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल वेव. सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सेकेंडरी वेव. लास्टली इट इज सर्फेस वेव. सर्फेस वेव आर दोज वेव विच ट्रैवल्स थ्रू द सर्फेस. ठीक है? जो सर्फेस के थ्रू ट्रैवल करता है उसे हम सर्फेस वेव कहते हैं. इसे हम एल वेव भी कहते हैं. ठीक है? एल वेव भी कहते हैं. इसे लव वेव भी कहते हैं. लव वेव फॉर्म भी कहते हैं. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. एंड दीज आर दी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव. दीज आर दी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल. ठीक है? दीज आर दी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल. सो ऑल दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दी सरफेस वेव. ठीक है? तो प्लीज़ तीनों पॉइंट एक छोटे से हाफ पेज के अंदर आपके समराइज हो जाने चाहिए. अगर आपको इतने पॉइंट्स भी पता है तो फॉर श्योर आपका 90% अर्थक्वेक कवर अप होता है. ठीक है? 90% अर्थक्वेक कवर अप होता है. इसके अलावा हम इसमें और कुछ देखेंगे. ठीक है? एक छोटा सा डायग्राम है कि जो सरफेस के थ्रू ट्रैवल कर रहा है उसे हम सरफेस वेव कहते हैं, जो बॉडी के थ्रू ट्रैवल कर रहा है उसे हम बॉडी वेव कहते हैं. बॉडी वेव में भी हमने प्राइमरी सेकेंडरी देखा, सरफेस वेव में हमने एल देखा, जिसे हमने मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स कहा है. ओके, नेक्स्ट हियर इट इज़ शैडो जोन. अब हम पढ़ेंगे शैडो जोन के बारे में. पी वेव का शैडो जोन क्या होता है, एस वेव का शैडो जोन क्या होता है. सबसे पहले शैडो जोन क्या होता है. ठीक है? शैडो जोन क्या होता है? मतलब कि शैडो हम किसे कहते हैं? जहाँ पे कोई चीज़ पहुँच नहीं पा रही है. ठीक है? कोई चीज़ अगर वहाँ पे पहुँच नहीं पा रही है तो वहाँ पे क्या बनती है? शैडो बनती है. तो हमें यही देखना है कि पी वेव का शैडो जोन क्या होता है और एस वेव का शैडो जोन क्या होता है. सो शैडो जोन ऑफ पी वेव. अब पी वेव सबसे पहले ट्रैवल कहाँ कहाँ करता है? अर्थ के अंदर. अर्थ के अंदर ये सॉलिड से भी ट्रैवल कर जाता है, लिक्विड से भी ट्रैवल कर जाता है, गैस से भी ट्रैवल कर जाता है. एस वेव अर्थ के अंदर कहाँ से ट्रैवल करता है? सिर्फ सॉलिड से. मतलब कि अगर ये अर्थ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो सिर्फ यहाँ से एस वेव ट्रैवल करेगा. अगर से ये अर्थ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो पी वेव यहाँ से भी ट्रैवल करेगा, यहाँ से भी ट्रैवल करेगा, यहाँ से भी ट्रैवल करेगा. ठीक है? तो दोनों में से कौन सी वेव है जो कम जगह से ट्रैवल कर रही है? दोनों में से पी वेव, एस वेव, दोनों में से कौन सी वेव है जो कम जगह से ट्रैवल कर रही है? कम जगह से कौन ट्रैवल कर रहा है? ऑब्वियसली एस, क्योंकि ये कम जगह से ट्रैवल कर रहा है तो इसका शैडो जोन ज़्यादा है. है ना? ये वैकेंट है, ये वैकेंट है, तो यही हो गया उसका शैडो जोन. ठीक है? एस कंपेयर टू दिस वन. ओके, इसको हम इस सिस्मोग्राफिक इसमें पढ़ेंगे, वेव्स के फॉर्म में पढ़ेंगे. जब हमने देखा पी वेव, दिस आर दी फोकस पॉइंट. ये हमारे फोकस पॉइंट. लेट्स इमेजिन दैट दिस आर दी फोकस पॉइंट. फोकस पॉइंट से 105 तक, फोकस पॉइंट से 105 तक, फोकस पॉइंट से 105 तक इन बोथ द हेमिस्फीयर हमें दोनों टाइप ऑफ वेव दिखते हैं. दोनों टाइप ऑफ वेव दिखते हैं. पी वेव भी दिखता है और एस वेव भी दिखता है. ठीक है? पी वेव और एस वेव दोनों दिखता है. उसके बियॉन्ड 105 से 145 तक हमें पी वेव नहीं दिखता है. ठीक है? पी वेव नहीं दिखता है. तो यही क्या हो गया? ये हो गया पी वेव का शैडो जोन. क्यों? क्योंकि वहाँ से पी वेव ट्रैवल नहीं कर रही है. जिस जगह से वो ट्रैवल नहीं करेगा उसे हम कहते हैं उसका शैडो जोन. उसके बियॉन्ड हमने देखा 145 से 145, तो अगेन हमें यहाँ पे सारी पी वेव फिर से दिख जाती है. तो इसका शैडो जोन कितना हुआ? इसका शैडो जोन हुआ सिर्फ ये ग्रीनर पोर्शन, ये इसका शैडो जोन इतना हुआ. सिमिलरली व्हेन वी सी दी शैडो जोन ऑफ एस वेव, 0 से लेके 105 तक हमें वेव्स दिख रहा है. बियॉन्ड 105 हमें कोई भी एस वेव नहीं दिख रही है. तो ये क्या हो गया? ये एस वेव का शैडो जोन हो गया. किसका शैडो जोन बड़ा है, पी या एस? किसका शैडो जोन बड़ा है?
ऑब्वियसली पी का शेडो जोन बड़ा है, तो शेडो जोन सॉरी एस का शेडो जोन बड़ा है, शेडो जोन ऑफ एस इज ग्रेटर देन द शेडो जोन ऑफ पी, पॉइंट नंबर वन. अब व्हाट इज द ओवरलैपिंग शेडो जोन, दोनों का ओवरलैप शेडो जोन कौन सा है, तो यहाँ पे दिखता है मुझे 105 से 145, 105 से 145, ये हो गया दोनों का ओवरलैपिंग शेडो जोन. ठीक है, ये दोनों का ओवरलैपिंग शेडो जोन हो गया. ठीक है, तो आपको इस टॉपिक में इतना याद रखना है. ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है, बस आपको दो डायग्राम याद रखने हैं. एक छोटा सा ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, 105 तक यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखना है 105 145 105 145, और इस तरीके से ओवरऑल आपको ये पूरा डायग्राम और ये डायग्राम याद रखना है. ठीक है, और शेडो जोन कहते किसे, जहाँ से वेव ट्रैवल नहीं कर रही है वो बन जाता है उसका शेडो जोन. ओके, नेक्स्ट, देर आर फोर टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के कुछ टाइप्स होते हैं, ये जो टाइप्स हुए हैं बेस्ड ऑन हाउ इट इज ओरिजिनेटेड, हाउ द अर्थक्वेक हैज बीन अकर्ड, किसके वजह से अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, हो सकता है कि कोई प्लेट ट्रैवल कर रही है, दो प्लेट ट्रैवल कर रही है टेक्टोनिक प्लेट, उसके वजह से जनरेट हुआ है, या तो ऐसा हो सकता है कि अगर कहीं पे वोल्केनो इरप्ट हुआ उसके वजह से अर्थक्वेक जनरेट हुआ है. ये भी हो सकता है कि हमने क्या किया, हमने कोई मिसाइल्स टेस्ट की, कहीं पे हमने एटम बॉम्ब टेस्ट किया है. ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ये हमने कुछ मिसाइल टेस्ट किए, कहीं ना कहीं हमने उसे हिट किया है, तो उसके वजह से अर्थक्वेक या वाइब्रेशन जनरेट हुए, तो वो हो सकता है. ये भी हो सकता है कि यार हम कहीं कोल माइनिंग कर रहे हैं, ज़मीन के अंदर से हम कोल निकाल रहे हैं, मिनरल एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वो माइनिंग क्या होगी, कोलैप्स कर गई, तो उसके वजह से हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि कोई हाइट पे हमने डैम बनाया हो, ठीक है, पानी स्टोर करने के लिए कोई रिजर्वायर बनाया हो, उसके प्रेशर के कारण वहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट हो रहा हो. ठीक है, तो वो इस तरीके के सारे हमारे टाइप ऑफ अर्थक्वेक हो सकते हैं. ठीक है, सो इट कैन बी टेक्टोनिक, इट कैन बी वोल्केनिक, इट मे बी एक्सप्लोजिव और कोलैप्स एज वेल. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसे एक एक करके हम इसे क्विकली रीड करेंगे. टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या होता है, विच जनरेट्स ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ रॉक, जो रॉक के स्लाइडिंग के कारण जनरेट होते हैं, जो कि हमें तुर्की और सीरिया में देखने को मिला था. ठीक है, तुर्की सीरिया में जो रिसेंटली अर्थक्वेक आया था, जिसके असिस्टेंट में हमने एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट ऑपरेशन लॉन्च किया था, दैट इज़ ऑपरेशन दोस्त, तो वो टेक्टोनिक इन ओरिजिन था. नेक्स्ट आता है वोल्केनिक ओरिजिन, बहुत सारे वोल्केनो एक्सप्लोड होते हैं, जैसे कि इंडिया का एक्टिव वोल्केनो दैट इज़ बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार में, अगर से वो एक्सप्लोड होता है उसके कारण अगर उसके विसिनिटी में अर्थक्वेक आता है, सो हम क्या कहेंगे, इट इज़ वोल्केनिक अर्थक्वेक. कोलैप्स अर्थक्वेक, कहीं पे हम झारखंड में कोल माइन कर रहे हैं, कोई माइन कोलैप्स हो जाती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कोलैप्स अर्थक्वेक. एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, ठीक है, कहीं से हम ओडिशा के कोस्ट से अगर हम कुछ मिसाइल, पृथ्वी अग्नि मिसाइल अगर टेस्ट कर रहे हैं, उसके वजह से अगर उस जगह पे अर्थक्वेक आता है, तो हम उसे कहेंगे एक्सप्लोजन अर्थक्वेक. एंड लास्टली रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, जो हम हिमालयन एरिया में, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में हम जो हैवी कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, डैम्स वगैरह बना रहे हैं, उसके कारण अगर कुछ अर्थक्वेक आता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक. राइट, सो ऑल दिस आर द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक. रटना कुछ नहीं है, बस उसे एक बार गो थ्रू करना है आपको. ठीक है, सो दिस आर द सर्टन इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक आने के बाद क्या क्या हो सकता है, अर्थक्वेक आने के बाद ये फॉल्ट बन सकती है, यहाँ पे एवलांच आ सकता है, सॉइल लिक्विफैक्शन हो सकता है, हमारा जो घर है वो नीचे खसक सकता है. ठीक है, देन लैंडस्लाइड आ सकता है, अर्थक्वेक के कारण सुनामी आ सकती है. सो दीज आर ऑल दी इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, जो कि आपको सारा एक बार रीड करना है, दैट इज ग्राउंड शेकिंग, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, सॉइल लिक्विफैक्शन, ग्राउंड लर्चिंग, एवलांच, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, फायर्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, सुनामी. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दी अर्थक्वेक. आई होप आपको थोड़ा सा बहुत ही कंसाइज वे में रिविजन के तरीके से आप इस वीडियो से बेनिफिट कर सकते हो. इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टडी वेल. आपको इसका PPT स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए, तो काइंडली ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और आपके अगर कोई कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको लगता है जो कि डिस्कस करने चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे, ठीक है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए.